राजस्थान में विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा से लेकर जनता के बीच लगातार भजनलाल सरकार को घेर रहे हैं। गुरुवार को अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां जहां पीएम मोदी ने उद्घाटन किया वहां बंटाधार हो गया। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। टीकाराम जूली पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोले कि पहले आकाशवाणी हुई शंकराचार्य ने भी राम मंदिर का उद्घाटन करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने कर दिया और आज राम मंदिर की छत टपक रही है। नई लोकसभा का उद्घाटन किया तो बारिश में उसकी भी छत टपकने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में जिस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया उसकी दीवार गिर गई। जिन हाईवे और सड़क का उद्घाटन किया वो धस गए। जिन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया वहां छत गिर गई और अब तो अटल टनल भी पानी में बह गया। जहां जहां इन जैसों के पैर पड़े वहां वहां बंटाधार होता जा रहा है। जूली विधानसभा हो या उसके बाहर हमेशा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। बता दें, अलवर में कांग्रेस की तरफ से मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान टीकाराम जूली ने जमकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोला। जूली आगे बोले कि आप जनता समझ चुकी है कि यह लोग संविधान के खिलाफ और संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। इसका उदाहरण आगे भी बहुत देखने को मिलेंगे। राजस्थान का यह पहला धरना है जो शांतिपूर्ण तरीके से है, लेकिन अब शांति से काम नहीं चलेगा। लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जब तक ऑफिस के अंदर जाकर इन लोगों से जवाब नहीं मांगेंगे ये लोग काम करने वाले नहीं है। ऐसे ही शांति से तो रोज धरने देकर चले जाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।